तो चलो भैया, राउडीज का वेट आखिरकार खत्म हुआ। उनके फेवरेट हीरो की फिल्म लाइगर आज से थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मॉर्निंग शो सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में है और हिंदी वर्जन इवनिंग में रिलीज होने वाला है, इसलिए ये वाला हमारा रिव्यू तेलुगु वर्जन के बेस पर है और स्पॉइलर फ्री भी। भाई फिल्म का ओपनिंग सीन ही इतना बढ़िया है कि आपको लगेगा वाह क्या इंट्रो है इस फिल्म का। बस उसी वक्त फिल्म की जो स्टोरी है अपनी पटरी से नीचे उतरने लगती है। थोड़ी देर बाद लगता है कि भाई इतना तो चलता ही है, रुको जरा सबर करो, आएगी फिल्म ट्रैक पर। बस एग्जैक्टली उसी वक्त हमारे बॉलीवुड की मोस्ट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे जी की एंट्री हो जाती है, और फिर क्या था, फिल्म की स्टोरी लाइन को स्ट्रगल करना ही था। मैं केमिस्ट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन विजय और अनन्या इन दोनों के बीच में जो भी सीन्स है ना, कुछ मेल खाते हैं, मतलब कुछ जमते ही नहीं। इंटरवल सीन काफी अच्छा है, बल्कि कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में बस इंट्रो को छोड़ के वही चीज मुझे काफी अच्छी लगी। क्योंकि सॉन्ग्स की बात करें तो बस ऐसे ही उन्हें बीच बीच में घुसरा गया है, नहीं थी भैया उनकी कोई जरूरत। ये तो होगा फर्स्ट हाफ के बारे में, एक्टर्स के परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे, लेकिन भैया रुको जरा सबर करो, पहले पार्ट टू के बारे में तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरवल के बाद पार्ट टू में तो बिल्कुल मजा नहीं आता। 250 रुपए का टिकट खरीदा था, उसे वसूल करने के लिए, आपको रिव्यू देने के लिए कुर्सी पर बैठ के हमें इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ना था। बस डायरेक्टर पूरी जगन सर का बहुत ही बड़ा फैन हूं मैं। इन दिनों साउथ का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए नहीं बल्कि राइट फ्रॉम 2006 पोकिरी के दिनों से। बाद में बिजनेसमैन टेम्पर एंड एवरी फिल्म ऑफ जगन सर इज वेल डन। बॉलीवुड स्टाइल में पिक्चर बनाने के चक्कर में बहुत सारे खुद के खूबियों वाले एलिमेंट्स डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म में मिस कर दिए, जैसे कि उनकी राइटिंग्स, डायलॉग्स, एलिवेशन सीन्स। हाँ, बस एक एलिमेंट उन्होंने बिल्कुल नहीं मिस किया, और वो है उनकी फिल्म के हीरो का मैनरिज्म। वो प्रॉपरली विजय में दिखाई दिया है। ही इज द सेवियर ऑफ द फिल्म। पूरी फिल्म को अपनी दमदार परफॉर्मेंस से आगे लेकर चलते हैं विजय देवरकोंडा। ही डेडिकेटेड हिज नियर बाय 2 years फॉर दिस फिल्म। परफॉर्मेंस वर्थ इट। अनन्या जी के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, रामया जी इज वंडरफुल। वो माँ के रोल में है तो उनका बाहुबली में का राजमाता शिवगांव में वाला परफॉर्मेंस याद आना ही था। कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो ठीक है, इट्स ओके। टाइसन की बात ही ना करे तो अच्छा है। जब इनके ऑनबोर्ड होने की अपडेट मुझे मिली थी, तभी लगा था कि ये बंदा गुड़ गोबर तो करेगा ही, जो कि उन्होंने कर ही दिया। पूरी सर, ये कहा बॉलीवुड के लाइन में आ गए आप, आपके दिमाग में बिजनेसमैन 2 पोकिरी 2 के लिए कुछ स्कोप है, तो तेलुगु फ्लेवर के साथ वो वाली फिल्में बनाइए ना, हम सभी ऑडियंस को वही भाती है। सिनेमाटोग्राफी काबिले तारीफ है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है तो इतना मजा नहीं आया। लाइगर जो कि कॉम्बिनेशन है टाइगर एंड लायन का, तो भाई ये कुछ जमा नहीं कर रही फिल्म फिल्म के टाइटल के साथ जस्टिस। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्री रिलीज बिजनेस कर लिया है, 88 करोड़ रुपए रिकवर हो गए हैं, और फिल्म को हिट होने के लिए चाहिए 90 करोड़ रुपीज का बिजनेस। तो श्योर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो होगी ही। फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस है वो 30-35 करोड़ के बीच में होगा, जो विजय की डियर कॉमरेड से डबल होने वाला है। पूरी सर, विजय सर, ऑल द बेस्ट टू यू आपकी नेक्स्ट मूवी जनगणमन के मेकिंग के लिए, आप उसी से कमबैक की उम्मीद रखिएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लाइगर देख चुके हैं तो आपको फिल्म कैसी लगी, और अगर अभी देखने वाले हो तो आपका एक्साइटमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।